सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अजहर चैनल को और साथ में लगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल अजहर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, तो आज हम लेनोवो केट प्लस का नवंबर अपडेट का रिव्यू करेंगे एंड इसमें बताएंगे क्या बग्स आए हैं, क्या फीचर आए हैं, क्या इंप्रूव किया गया है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक। आई होप 50 लाइक आप कर दोगे। चलिए फटाफट से आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि फिलहाल कौन सा अभी सिक्योरिटी पैच चल रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भी जो कि 5 नवंबर 2018 का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या चेंज किए गए हैं, क्या बग्स हैं, क्या फीचर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो चेंज किया गया है, जो सबसे नंबर वन में यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच को चेंज किया गया है, जो कि आपको यहाँ पर सितंबर था उससे आपको नवंबर का किया गया है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो कुछ फंक्शन होते थे जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर स्मूथ वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट को यहाँ पर इंप्रूव किया गया, यानी कि जो सिस्टम अपडेट आए थे यहाँ पर आपको कुछ इंप्रूव किया गया, मतलब कुछ खास भी नहीं किया गया है। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फोन आपको स्मूथ चल रहा है, ज़्यादा भी यहाँ पर स्मूथ नहीं चल रहा है। एंड यहाँ पर बात करें कि इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर आए हैं, तो यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं आए हैं। कोई मतलब जो बड़े ऐसे फीचर होते हैं जैसे यहाँ पर आपको बैटरी ड्रेन वगैरह, ये सब आपको सोल्यूशन नहीं मिले हैं। बट यहाँ पर भी कौन कौन से बग्स हैं मैं आपको इसको क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि बग्स रहेंगे तभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे नीचे, मैं आपको बताऊँगा अपना प्रॉब्लम, आप अपना प्रॉब्लम नीचे कमेंट में बताएंगे तो शायद लेनोवो तक की वीडियो पहुंच पाएगी। तो लेनोवो देखेंगे तो शायद नेक्स्ट अपडेट में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो जो भी कुछ करना होगा हम लोग के साथ करना होगा, हम लोग साथ मिलकर करेंगे, लेनोवो के सब प्रॉब्लम बताएंगे। तो शायद जो अगला अपडेट आएगा शायद उसमें लेनोवो केट प्लस को इम्प्रूव कर दिया जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से अभी भी बग्स इसमें रह गए हैं। तो फिर सबसे पहले बात कर ले बग्स की, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बग्स यहाँ पर भी है बैटरी ड्रेन, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे लोगों को जो कि बैटरी चार्ज करते हैं तो 3 से 4 घंटे चलते हैं एंड वहाँ पर चार्ज करने लगते हैं तो बहुत कम बैटरी यूज कर पाते हैं, मतलब बहुत बड़ा इशू है यार जो कि बैटरी ड्रेन है। सेकंड में की बात करें तो यहाँ पर चार्जिंग प्रॉब्लम है एंड कोई भी यहाँ पर अपने फ़ोन को चार्ज कर रहा है तो वहाँ पर आपको कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं, बल्कि इससे चार्ज करने में ऐसे 2.5-3 घंटे लगते थे, बट यहाँ पर चार्जिंग इशू भी आ गया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम था, ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे मेरे साथ भी हो रहा है, जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, बट जैसे ही मैंने अपडेट किया तो मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। फिर जैसे कि पहले मैं अपने घर में नेट चलाता था, बहुत वहाँ पर अच्छी चलती थी, काफ़ी अच्छी वहाँ पर स्पीड आती थी, बट अब घर में मैं अपने नेट चलाता हूँ तो वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती है। जब मैं बाहर जाता हूँ थोड़ा बहुत नेटवर्क आती है, यानी कि मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर नेटवर्क का इशू भी आ गया है नवंबर अपडेट के बाद, शायद आपको आया तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर अभी तक एयरटेल में वोल्टेज का सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो ये काफ़ी बुरी खबर है यहाँ पर लेनोवो की तरफ से, जो कि लेनोवो इसमें एयरटेल का वोल्टेज सपोर्ट दे दे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर बात होती। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर अभी भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो फिर जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इंप्रूव करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल किया एंड यहाँ पे तो जैसे कि आप देखेंगे मैं इस सेंसर को इस तरह से ढक देता हूँ, तो उसके बाद हम यहाँ पर कुछ सेकंड के बाद इसे ओपन करेंगे तो देखने यहाँ पर सेंसर बिल्कुल अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर काफ़ी देरी के बाद यहाँ पे मतलब वर्क करता है। तो बात करते हैं यहाँ पर सेंसर अभी भी वर्क नहीं कर रहा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप फ़ोन को अपने कान में लगाते हैं, उसके बाद कॉलिंग करते हैं और कॉलिंग से जब अपने फ़ोन को कट करने के लिए सोचते हैं कि फ़ोन को इंड कर देंगे, काट देंगे, तो हम बहुत देरी के बाद यहाँ पर लाइट ऑन होती है। तो ये बहुत ही बड़ा बग्स यहाँ पर लेनोवो केट प्लस में है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपको कैमरा का बग्स आता है, जैसे कैमरा में आप वीडियो क्वालिटी करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं आती है, बट वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी वॉइस में आवाज़ डालते हैं तो वहाँ पर जो आपको आवाज़ आती है बिल्कुल फट जाती है। मतलब जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय इसके मेन कैमरा से रिकॉर्ड करूँ तो वहाँ पर जो अब मैं ऑडियो बोलूँगा जो बिल्कुल फट के दम आवाज़ आएगी, तो बिल्कुल क्लियरली आपको आवाज़ नहीं मिल पाएगी। तो काफ़ी बड़ा बग्स यहाँ पे है। एक और है इसमें जो सेल्फी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि आप सेल्फी फोटो लेते हो तो आपको नेचुरल फोटो नहीं दे पा रहे हैं, बट इसे 1-2 महीने पहले का जो इसमें अपडेट आया था उसमें काफ़ी अच्छी सेल्फी आ रही थी, जो सेल्फी हम लोग लेते थे नेचुरल दम बिल्कुल आती थी, जो चाहे वो लो लाइट हो, चाहे वो डे लाइट हो, चाहे वो नाइट हो, मतलब किसी भी हम सेल्फी लेते थे तो बिल्कुल नेचुरल फोटो वहाँ पर देते थे, मतलब सेल्फी में आपको नेचुरल कलर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब काफ़ी बड़े बग्स है। अब मुझे नहीं लगता कि लेनोवो ये सब बग्स ठीक कर पाएगा लेनोवो केट प्लस में, शायद ये बग्स ऐसे ही रह जाएगा। पता नहीं नेक्स्ट अपडेट कब आएगा, क्या सॉल्व करेगा, अभी तो लेने वाले ने खुद अपने वेबसाइट पर भी इन्फॉर्म नहीं किया है। तो प्लीज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करो और बताओ कि आप लोग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो, मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूँ इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड, तब तक ले फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।